सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर 10 जनवरी को होगी समाप्त। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, तारीखों का ऐलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी समाप्त। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तरक्की के लिए कोई जात और मजहब नहीं होता है, उनकी हुकूमत का मकसद सबका साथ और सबका विकास है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राफेल मामले पर हुकूमत पार्लियामेंट में सब कुछ वाजे कर चुकी है, राहुल झूठ के सहारे सियासत कर रहे हैं। और सिडनी टेस्ट में भारत ने पकड़ की मजबूत। टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 7 विकेट खोकर 622 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने लगाई शानदार सेंचुरी। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या मामले पर समाअत अब 10 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि बेंच की तश्कील की समाअत के लिए तारीखों का ऐलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच समाअत करेगी। We are really very much glad that today the Honorable Bench, headed by the Honorable Chief Justice of India, has directed this matter to be listed on 10th of January for regular hearing. And we hope that this matter will be concluded at the earliest. You see, so far the day-to-day hearing is concerned, it will be decided on 10th, that bench will determine the day-to-day hearing, or as per convenience, this matter will be posted for hearing. गोरखपुर के ग्राम सभा उनवल संग्रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने के बाद उसके दफ्तर का भूमि पूजन किया गया। इसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मानवन भी किया। वजीर आला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत उनवल होगा। यहां पर 1207 कुनबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, जिसके तहत नगर पंचायत के लिए सड़क इंटरलॉकिंग समेत कई प्रोजेक्टों के लिए रकम दी गई है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए कोई जात मजहब नहीं होता, तरक्की सबकी होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, खाद्यान्न योजना, राशन कार्ड बनाने की स्कीम सभी के लिए चल रही है। रियासत की तरक्की, सभी तबकात की तरक्की हमारी तरजीह है। आजादी के बाद ग्राम पंचायत बनी और प्रदेश की ये नई नगर पंचायत है। इस नगर पंचायत को हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के रूप में भी इसका चयन किया। नई नगर पंचायत होने के नाते इस नगर पंचायत में नगर पंचायत के भवन के भूमि पूजन का कार्यक्रम। ये मानना है कि विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर ही हम एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं, और इसीलिए शासन की योजनाओं का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह खाद्यान्न की योजना में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का हो, सौभाग्य योजना में विद्युतीकरण के साथ साथ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने का हो, ये सारे कार्यक्रम उसी क्रम में लिए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर युद्ध स्तर पर नगर पंचायत को इन सारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध हो रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 9 जनवरी को आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान पर होने वाली वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर रैली वाले मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने स्टेज का भी जायजा लिया। रैली के मुकाम का मुआयना करने के बाद वो सिकंदरा इलाके में गंगा जल प्रोजेक्ट का मुआयना करने गए। इसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ कमिश्नरी मीटिंग हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरान के साथ आगरा में हो रहे तरक्याती कामों को लेकर जायजा मीटिंग की और सभी तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने की अफसरान को हिदायत दी। बाद में वजीर आला ने पार्टी के लीडरान और अहदेदारान से मुलाकात करके 9 जनवरी को होने वाली वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली को तारीखी और कामयाब बनाने की अपील की। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज अमेठी लोकसभा हलके के पहले सिटी स्कैन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आज की यह सिटी स्कैन मशीन
कौम को यह पैगाम दे रही है कि कांग्रेस के लीडर अपने ही हलके में तरक्की करने में नाकाम है। उन्होंने राफेल मामले पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बोल चुकी है, मुल्क की पार्लियामेंट में बीजेपी ने अपना मौकफ रखा है, राहुल गांधी को सच्चाई रास नहीं आ रही है, इसलिए झूठ के सहारे सियासत कर रहे हैं, उनके लिए मामला इतना संजीदा नहीं है, अगर होता तो स्पीकर के ऊपर कागज के टुकड़े न फेंकते। देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है, तब भी राहुल गांधी को अगर सत्य रास न आए और वो झूठ के सहारे अपनी राजनीति करना चाहें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। उनके लिए विषय इतना गंभीर नहीं, अगर होता तो हमारे देश की स्पीकर के चेहरे पर इस प्रकार से कागज फाड़ फाड़ के कांग्रेस के नेता ना उड़ाते। आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के मीडिया इंचार्जों की वर्कशॉप शुरू कर दी है। आज लखनऊ में मुनक्किद अवध हलके की वर्कशॉप से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जमान समेत संबित पात्रा ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टी का मौकफ किस तरह पेश किया जाए, मरकजी और रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों के बारे में आवाम को बेदार करना इस वर्कशॉप का अहम मकसद है। वर्कशॉप में अवध हलके के सभी मीडिया इंचार्ज, जिला राबता सरबराह, सभी 16 लोकसभा सीटों के मीडिया इंचार्ज के साथ साथ रियासती सतह के मीडिया इंचार्ज और तर्जमान भी मौजूद। से 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार केंद्र में बने, इसकी आयोजन पूरी तरह से आरंभ हो चुकी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, हर बूथ को और बूथ की इकाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। केंद्र में भी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार विकास को आगे बढ़ा रही है। अगर विकास के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, कोई भ्रम और झूठ की राजनीति, भ्रम और फरेब की राजनीति कर रहा है, तो वह पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अभी संसद चल रहा है दिल्ली में, आप सब देख रहे हैं कि संसद को किस प्रकार से बाधित करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी भ्रम के माध्यम से कर रही है। राफेल के विषय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के पश्चात भी जिस प्रकार झूठ का सहारा लेते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, 2 दिन पहले हमने देखा संसद में किस प्रकार से राहुल गांधी जी को जवाब दिया गया, राहुल गांधी जी झूठ बोलते हुए वहां पकड़े गए हैं। देश की जनता यह सब कुछ देख रही है और देश की जनता पूछ भी रही है, 10 वर्षों तक सत्ता का कमान कांग्रेस के पास रहा, क्या कारण रहा जो राफेल विमान देश में नहीं आ पाया। साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खां और उनके बेटे रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम खां और उनकी अहिल्या समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के रुकन तंजीम फातिमा पर रामपुर थानागंज हलके में फर्जी पैन कार्ड बनाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला 2017 का है। लखनऊ में नगर निगम हलके के पते से एक पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम के नाम का बनाया गया, जबकि दूसरा पैन कार्ड रामपुर में भी बनाया गया। एक शख्स के 2 पैन कार्ड होने पर 420B के तहत जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। आज पुलिस ने जांच के बाद मामले को सही पाया और एक ही कुनबे के 3 लोगों को नामजद मुलजिम बनाया है। बीजेपी के लीडर आकाश सक्सेना ने कुछ रोज कबल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड रखने का इल्जाम लगाया था। किस तरीके से मोहम्मद आजम खान ने 2012 में अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, उसके बाद 2015 में एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया। मेरा आरोप यह था कि एक व्यक्ति के 2 जन्म प्रमाण पत्र नगर विकास मंत्री रहते हुए आजम खान ने बनवाए। उस मामले की पूरी जांच हुई और जांच में सारे मेरे तथ्य सही पाए गए। उसी को देखते हुए आज थानागंज में रामपुर में ये FIR दर्ज की गई है संबंधित धाराओं में, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर कि इसमें जल्द से जल्द जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदले की राजनीति अच्छी नहीं होती। हमने 4 बार सरकारें बनाई लेकिन किसी से बदला नहीं लिया, स्थानीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। वजीर रहकर इंसाफ के कलम से कभी ना इंसाफी नहीं की, हर दल के लोगों का काम किया। आज जो लोग मुख्यमंत्री के अलावा जो लोग मिनिस्टर्स बने हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनमें से कोई भी ये नहीं कह सकते कि हमारे कलम ने कभी भी उनके साथ पक्षपात किया। रामपुर में हम ये जानते ही नहीं थे भाजपा का अध्यक्ष कौन है, बसपा के कौन है, कांग्रेस के कौन है। कभी हमने प्रताड़ित करने की तरफ सोचा भी नहीं क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं था।
हमारे पास काम से ही वक्त नहीं बचता था, हम इंतकाम किससे लेते, और इंतकाम लेते भी तो क्यों लेते, ये सब हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही साथ में रहने और चलने फिरने वाले लोग हैं। और अब खबरें कुंभ से। तीर्थराज प्रयागराज कुंभ की कशिश दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्री त्रिपुरनिधि आनंद अखाड़े की पेशवाई परचम हाथी घोड़े ऊंट के साथ बैंड बाजे समेत धूमधाम से निकाली गई। पेशवाई में सैकड़ों महात्मा शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ गानों पर रक्स करते हुए भगवा कपड़े पहने महंत करतब करते नागा और रथ पर सवार महामंडलेश्वर खुसूसी तवज्जे का मरकज रहे। दर्जन भर महामंडलेश्वरों के साथ नगाड़े और रवायती ढोल ताशे की आवाज ने भी हर किसी का दिल जीत लिया। आज इस पेशवाई शोभा यात्रा में जैसे महाराष्ट्र में पेशवा सरकार हुए, महाराष्ट्र में कुंभ मेले में कई बार गए थे, तो पेशवा जी थे, जो राणा साहब पेशवे थे, उन लोगों ने इस शाही जुलूस का नाम पेशवाई जुलूस किया है, तब से इसका पेशवाई नामकरण हुआ है। और पेशवाई जुलूस यही चलता है, जो गाजा बाजा छत्ता चंवर ये वो जो पेशवा लोगों ने दिया है, इसीलिए इसमें भी सब गाजा बाजा के साथ हाथी घोड़ा पालकी छाता चंवर छड़ी ये सब उसी राजा रजवाड़े के ठाट में आते हैं। प्रयागराज में आने वाले लोगों के लिए खुसूसी बंदोबस्त किया जा रहा है, खासकर वो लोग जो मेले में लग्जरी सहूलियत पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुंभ मेले के सेक्टर 18 में खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की मंशा पर यहां पर डोरमेंट्री कॉटेज की तामीर कराई जा रही है, जो देखने में 5 सितारा होटल जैसी है और उसमें सहूलियात होटल जैसी है। इन टेंटों में सिंगल बेड, डबल बेड, कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन, कैंटीन जैसी सहूलियात हैं। इन टेंटों की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जराए से है। सेक्टर 18 में इस तरह की कुल 2,500 डोरमेंट्री बनाई जा रही हैं, जिनका किराया 600 से लेकर 15,000 तक है। इसमें स्विस कॉटेज रहेंगे, विलाज रहेंगे, डीलक्स रहेंगे, सुपर डीलक्स बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 18 में पिलग्रिम्स के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो डॉर्मेट्री बनाई जा रही है 650 से लेकर के 15,000 तक के पर डे के हिसाब से रहने की सुविधा रहेगी, उस तरह के टेंटेज बनाए जा रहे हैं। और अब क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में बगैर किसी नुकसान के 24 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन बनाकर ऐलान किया। आज भारत ने 4 विकेट पर 303 रन से आगे खेलना शुरू किया। चेतेश्वर पुजारा 99 के स्कोर पर नॉर्थन लाइन की गेंद पर कॉट एंड होल्ड हुए। इसके बाद ऋषभ पंत और रविन्द्र जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 204 रन की शानदार साझेदारी की। ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर की दूसरी सेंचुरी पूरी की। वहीं जडेजा ने भी निस्फ सेंचुरी लगाने में कामयाबी पाई। जडेजा 81 रन बनाकर लाइन की गेंद पर आउट हुए और उसके साथ ही भारत ने पारी का ऐलान कर दिया। ऋषभ पंत 159 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर 10 जनवरी को होगी समाअत। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा तारीखों का ऐलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी समाअत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तरक्की के लिए कोई जात और मजहब नहीं होता है, उनकी हुकूमत का मकसद सबका साथ और सबका विकास है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राफेल मामले पर हुकूमत पार्लियामेंट में सब कुछ वाजे कर चुकी है, राहुल झूठ के सहारे सियासत कर रहे हैं। और सिडनी टेस्ट में भारत ने पकड़ की मजबूत। टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 7 विकेट खोकर 622 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने लगाई शानदार सेंचुरी। और अब एक अहम इत्तला। 7 जनवरी 2019 से खबरें तफसील से देखिए। रोजाना नशर होने वाली उर्दू बुलेटिन खबरें का वक्त 15 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट होगा।
और रोजाना तयशुदा वक्त रात 8:15 पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा शाम 5 उर्दू अहम खबरें तयशुदा वक्त 5 की जगह अब 15 नशर होंगी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, शबा खैर।